सो है गाइस, कैसे हो। देवड़ा पार्ट वन का यहाँ पर ट्रेलर आ चुका है और मैं देखने वाला हूँ। कुछ खास एक्सपेक्टेशन पिक्चर से नहीं है। अनिरुद्ध का म्यूज़िक ऑब्वियसली अच्छा होगा, सैफ अली खान, NTR और जानवी कपूर है। पता नहीं जानवी कपूर क्यों है बट है। जिनको हमारे रिव्यूज़ वगैरह देखने हैं, अच्छी कंटेंट वाली चीज़ देखनी है, तो आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आई बटन पर मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आखिर कौन थे वो लोग? ना जात ना धर्म, डर जरा सा भी नहीं। जिन आंखों ने धैर्य के सिवा कुछ नहीं। देखो, मैं एक जूनियर NTR की पिक्चर देख रहा हूँ। 300-400 करोड़ इसका बजट तो होना ही होना है। सो VFX में अच्छा एक्सपेक्ट करता हूँ। टीजर वॉज सो बैड बट इट इज ऑल्सो लुकिंग बैड। आई डोंट नो व्हाई। आदिपुरुष टाइप वाइब्स आ रही है। देखा था आज पहली बार, डर से भरी हुई थी। उन सबको किसने मारा? बहुत लंबी कहानी है, खून से समुंदर को लाल कर देने वाली कहानी, हमारे देवरा की कहानी। ये तो KGF का कॉपी हो गया भाई। आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। जब तक तू यहाँ है, हम तेरा काम आने। ये क्या था बे? बैकग्राउंड भाई, मुझे आदिपुरुष की याद आ रही है भाई। पूरा आदिपुरुष टाइप वाइब्स आ रही है। वैंचो पूरा मतलब ग्रीन पे शूट किया है भाई। रियल लोकेशन पे चले जाते हैं। नहीं दे देवरा, देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय ही नहीं, सही हथियार भी मिलना चाहिए। भोला भाला, सीधा साधा, बिल्कुल बुद्ध हुए। कैसे बनेगी? क्या तू तो संग्राम में लड़ने की सोच रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो, मुझसे नहीं हो पाएगा। रियल शॉट्स अच्छे हैं। सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरा भी नहीं। ओ, बाप बेटे का कुछ सीन है। अगर काम पे गया तो काम होते ही लौटा था। वो अपनी जिद पूरी करने गया है। ओके। देवरा को समुंदर पर गए हुए 2 साल बीत चुके थे। जो मैंने समुंदर के अंदर देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। अगर इस डर को पार करके समंदर पे गलत काम करने कोई उतरा, आज से एक अंधे का डर बनूंगा। कंट्रोल कंट्रोल। देवरा पार्ट वन। देखो भाई साहब, जो रियल लोकेशंस में शूट किया गया है वो वाली चीज़ें सच में अच्छी है और आपको लगता है कि विजुअली अपीलिंग है। एटलीस्ट रिसेंटली मैं विनलैंड सागा देख रहा था और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन तो देखा ही देखा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बिलो द स्टैंडर्ड है। अगर आप एक पिक्चर की बात कर रहे हो जो 17 दिनों में रिलीज होने वाली है, तो उस पिक्चर का ये विजुअल एक्सपेक्टेड नहीं है। कुछ सीन्स जो थे जो अच्छे लगे मुझे, ठीक है, जो कि पानी वाले सीन्स थे, अच्छे लगे, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा सीन्स है जो कि बुरे लग रहे हैं। लिटरली में बहुत ख़राब लग रहा है। और एक्शन, आई मीन वही स्टीरियोटाइप टॉलीवुड एक्शन है इसके अंदर। कुछ सीन्स ठीक ठाक लगे बस, और मुझे मैक्सिमम चीज़ें बहुत ही मीडियोकर लगी। एकदम घटिया नहीं बोलूँगा क्योंकि घटिया का लेवल भी हमको पता है, आदिपुरुष जहाँ तक गिर चुका है उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मीडियोकर है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे तो एकदम बहुत ही घटिया है बट हाँ, बहुत जगह पे सही सही लगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि म्यूज़िक, अनिरुद्ध का म्यूज़िक, इट्स गोना बी अपीलिंग, वी नो दैट, अच्छा होने वाला है म्यूज़िक। जानवी कपूर आई डोंट नो क्यों है पिक्चर के अंदर, अभी भी मेरा वही क्वेश्चन है। बाकी जूनियर NTR
मास एक्टर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है, मैं भी क्या ही कह सकता हूँ उस चीज़ पे, बट अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो अच्छे लग रहे हैं पर्टिकुलरली। एंड देखते हैं, स्टोरी अपीलिंग लग रही है, कुछ बाप बेटे वाला भी सीन रखा गया है, तो वो सीन अच्छा हो सकता है देखने में। आपको कैसा लगा ये वाला ट्रेलर आप मुझे बताना, ठीक है, मुझे काफ़ी मीडियोकर लगा। हमारे दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो जहाँ पे हम अच्छे अच्छे रिव्यूज़ वगैरह करते हैं। मैंने रिसेंटली वहाँ पे अटैक ऑन टाइटन का यहाँ पे रिव्यू किया था, सो वो आप जाकर देख सकते हो। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब।